हेलो फ्रेंड्स, भारत के द्वारा बनाई जाने वाली वैक्सीन दुनिया के बहुत सारे देश अपने लोगों को लगा रहे हैं। आपको बता दें कि इस वैक्सीन को लेकर कई सारे सवाल उठने शुरू हो गए हैं। अभी की जो रिपोर्ट आ रही है उसके अनुसार यूरोप के कई सारे देशों ने इस वैक्सीन के ऊपर रोक लगा दी है और अपने नागरिकों को ये वैक्सीन नहीं लगा रहे। इसके साथ साथ यूरोप के भी इन सभी देशों ने WHO से रिक्वेस्ट की है कि इस वैक्सीन के ऊपर प्रतिबंध लगाया जाए जिससे कि लोगों को बचाया जा सके। आपको बता दें कि अभी तक WHO ने इसके ऊपर रोक लगाने के लिए साफ साफ मना कर दिया है और WHO के अनुसार AstraZeneca वैक्सीन अभी भी सेफ और सुरक्षित है। हम आपको बता दें कि इस वैक्सीन में प्रॉब्लम क्या हुई है, तो आ रही रिपोर्ट के अनुसार AstraZeneca वैक्सीन में ब्लड क्लॉट की समस्या आ रही है। इसी को देखते हुए ही कई सारे देशों ने इस वैक्सीन को अपने नागरिकों के ऊपर लगाने के लिए मना किया है। आपको बताते चले कि भारत में दो वैक्सीन का इस्तेमाल इस समय किया जा रहा है। एक तो कोविशील्ड वैक्सीन जिसका उत्पादन सीरम इंस्टीट्यूट कर रही है और दूसरी वैक्सीन का नाम कोवैक्सीन है जिसका उत्पादन भारत बायोटेक के द्वारा किया जा रहा है। दोस्तों, आपको ये बता दें कि AstraZeneca वैक्सीन को ही भारत में कोविशील्ड वैक्सीन के नाम से जाना जाता है। आपको ये भी बताते चले कि ये दोनों वैक्सीन भारत में बन रही है और भारत में बनने के कारण ही ये वैक्सीन सस्ती है और लोगों को लगाई जा रही है। इसके साथ साथ दुनिया के दूसरे देशों में भी इसका एक्सपोर्ट किया जा रहा है।